देश में इस समय मतदान चल रहा है और मतदान के समय इस समय अप्रैल और मई और जून का गर्म महीना है जिसमें गर्मी अपने पीक पे होती है। किसी भी व्यक्ति को ये बीमार करने के लिए काफ़ी है। तो अब जब भी मतदान करने जाएं तो कुछ बातों का अवश्य आपको ध्यान रखना, जिससे आप बीमार होने से बच सकें या लू लगने से बच सकें या डिहाइड्रेशन से बच सकें। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं बताऊँगा क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको मतदान करते समय। पहली बात, आपको मतदान का समय कोशिश करें कि सुबह जल्दी मतदान कर दें जब गर्मी तेज़ नहीं होती, जिससे आपको डिहाइड्रेशन, लू लगने का खतरा या हीट स्ट्रोक का, हीट वेव का खतरा कम हो जाएगा। नंबर दो, अगर आप दोपहर में किसी टाइम जा रहे हैं, आफ्टरनून में वोट करने जा रहे हैं, तो भी ध्यान रखें कि आप पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं या कोई साथ में लिक्विड पदार्थ जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है या छाछ है, नारियल पानी है, इसका सेवन करें और साथ में लेके जाएं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पी सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, फीवर लग रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा इस समय ध्यान रखें, गर्मी का सीज़न है, तो ऐसे कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा खाएँ जिससे पानी की मात्रा अधिक होती है, या ऐसे फ्रूट्स खाएँ जैसे तरबूज है, खरबूज है, जो पपाया है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वो आपके हाइड्रेशन में सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। और क्या बात है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इनको साथ लेके बाहर ना जाएं, और जाना पड़ता है उनका भी ध्यान रखें। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, 65 ईयर से प्लस हैं, या जिनको डायलिसिस पे हैं, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपना खास ख्याल रखना है। वो अपने साथ किसी ना किसी सहायक को, अटेंडेंट को लेकर जरूर साथ में जाएं। और एक लास्ट बात बताना चाहूँगा, खास करके जो गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं, अगर 26 तारीख को वोट करना है आपको, उस समय आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमारे यहाँ से फ्री टेली कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको कोई दिक्कत आ रही है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।